तहसील दिवस है और थाना दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दिशा निर्देश है कि पूरे प्रदेश में तहसील दिवस पर, थाना दिवस पर जनसुनवाई होगी। सभी प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे, सभी माननीय मंत्री अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में रहेंगे और सभी राज्य मंत्री, सभी जनप्रतिनिधि रहेंगे। मकसद है कि जनता को अब दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं है। यह सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है और यह सरकार गांव में जा रही है, तो कोई भी समस्या है उसका निस्तारण समय सीमा के अंदर हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि 7 दिन की, जब हम फाइल इंडेक्स हमने 7 दिन का बनाया है, तो जन सुनवाई में भी 7 दिन के अंदर जो समस्या है उनका निस्तारण हो, लोगों को बार बार नहीं आना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि सभी जितने भी हमारे थाना प्रमुख हैं वह जनसुनवाई करें और अपने थाने के अंदर ही समस्याओं का निस्तारण करें। सभी कप्तान, सभी डीएम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में समस्याओं का निस्तारण करें, कोई भी समस्या लखनऊ तक मुख्यमंत्री जी के पास तक ना जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने एक शुरुआत की है और आज तहसील दिवस पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। लोगों की समस्याएं हैं, उनका निस्तारण समय सीमा के अंदर हो, सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। मैं मानता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है और आने वाले समय में अब जनता को लगेगा कि ये जनता की सरकार है। अभी क्रम चल रहा है, 10 बजे से था, हम लोग 10:45 बजे यहाँ बैठे हैं और लोग आ रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। चकबंदी से ज्यादा संबंधित हैं, कुछ लोगों ने इलीगल इंक्रोचमेंट का है, अवैध कब्जों का है, तो समस्या है लोगों की, उनका निस्तारण के लिए हम लोग बैठे हैं। अभी एक शहीद दो जवानों का फिर से पीछे देखिए, जब से हम लोग आजाद हुए हैं तब से पाकिस्तान एक नासूर बना हुआ है और उस नासूर को समाप्त करने की, उस उनकी सोच को समाप्त करने की, उनकी सोच में बदलाव लाने की बहुत लंबे समय से कोशिश है। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत पुरानी लड़ाई है, बहुत पहले की लड़ाई है और ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। जिस तरह से केंद्र में सरकार है, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन लोगों को, दरिंदों को इनकी भाषा में हम लोग जवाब दे रहे हैं। और एक समय था कि हम लोगों ने सीमा के उस पार जाकर भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था। मैं मानता हूं कि ये जो दरिंदगी जो इन्होंने की है उसका अवलंब इनको तुरंत जवाब भी दे दिया गया है। इनकी चौकियों को वहां नष्ट किया गया है, कैजुअलिटीज भी पाकिस्तान में काफ़ी हुई हैं। तो अगर पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसको बड़ी कीमत चुकानी होगी। अभी सही सही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो प्रोटेस्ट करने की बजाय जनता के साथ जो ठगी कर रहे थे, जनता को जो चीट कर रहे थे, अब वो जनता को धोखा देना बंद करें, जनता को लूटना बंद करें और ऐसे लोगों के खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होगी, चाहे वो प्रदर्शन करें या धरना दें। धरना प्रदर्शन देंगे तो भी कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी, क्योंकि आप जनता को लूट भी रहे हैं और जब आप पर कार्रवाई हो रही है तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सपा और बसपा की सरकार नहीं है, ये आदित्यनाथ योगी की सरकार है। यहाँ जनता को न्याय मिलेगा और जनता को जो लूटने वाले हैं उनको सलाखों के पीछे जाना होगा। अभी एक शहीद बबलू का परिवार आपसे मिला है, उसमें क्या कार्रवाई? देखिए, हमने अपने अधिकारियों को यहाँ कहा है कि भाई जो भी शहीद हैं उनकी जो भी समस्या है उनका निस्तारण समय सीमा के अंदर हो, उनको बार बार हमारे दफ्तरों में आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अधिकारी नियुक्त होंगे जो उनकी समस्याओं को उनके घर जाकर सुनेंगे। बिजली को लेकर पूरे देश भर में एक अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया था कि भाई बिजली सबको मिले, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 2019 से पहले सबको बिजली मिले, उसके लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। और चोरी रुके, क्योंकि चोरी और 24 घंटे बिजली ईमानदार उपभोक्ता को बीच में अगर अड़चन है तो चोरी है, चोरी रोकना हमारी प्राथमिकता है। अभी तो हमने सहूलियत दी है, सुविधाएं दी हैं उपभोक्ताओं को, आगे जो चोरी करेंगे उनके खिलाफ कठोर कानून है,
पांच साल की सजा तक का प्रावधान है। अगर दूसरी बार कोई चोरी करता पकड़ा जाएगा तो उसको 7 साल की सजा है। अभी 75 जिलों के अंदर हम अलग से थानों का निर्माण करेंगे, जो सिर्फ इसी काम के लिए अगर कहीं चोरी कोई करता पकड़ा जाएगा तो बिजली की, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाकी आंदोलन वापस हो गया, थैंक यू। मैंने अभी यहाँ पर डाला है, SSP जी के संज्ञान में डाला है और मुझे लगता है कि उसमें संज्ञान लिया है और कार्रवाई करेंगे।